जी हाँ दोस्तों, देश में जो है बहुत सारे लोग बहुत सारे जो है सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। और ऐसे में जो है आप सभी को मैं बता दूं कि 21 साल आपकी अगर घर में कोई भी लड़की है तो 21 साल के पूरे होने पर तकरीबन आपको 63.7 लाख रुपए यानी कि तकरीबन 64 लाख रुपए आपको मिलेंगे आपके खाते में। बहुत सारे लोग इसके लिए जो है अप्लाई कर चुके हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है हम आपको बताएंगे वीडियो के अंदर में, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और अभी अभी इसी बात पे एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जो है योजना का लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है आप हमें कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जैसे ही शेयर करोगे तो आपकी बातें हम तक पहुंच जाएगी। जी सरकारी जानकारियों से जुड़ी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और देश के तमाम बड़ी खबर की तरफ पहले हम रुख करते हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन, जी हाँ दोस्तों, बंगाल में बोले हैं पीएम मोदी कि सारे हिंदू एक हो जाओ, अगर हमने कहा होता तो आज आता है चुनाव आयोग का नोटिस। यहाँ पे एक बड़ी खबर है और कुछ हाइलाइट्स के बारे में अगर बता दें आपको तो ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक वाले बयान पर पीएम मोदी का जबरदस्त वाला पलटवार हो चुका है। सारे हिंदू एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, हमने कहा होता तो मिल जाता। 8 से 10 नोटिस के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर साथ दिया है बड़ा निशाना। कोरोना वायरस को लेकर एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है, अगले 30 दिन बेहद क्रिटिकल होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कोरोना पर बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। जी अब तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खतरा जताते हुए देशवासियों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगले 4 हफ्ते हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल है, देश के कई हिस्से में खतरनाक स्थिति है अभी फिलहाल, ना ऐसे अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और आपको बताया जा रहा है कि जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि आप लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा मास्क पहनना होगा और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कोरोना को लेकर के। कोरोना देश में पिछले महीने एक हफ्ते में औसतन तकरीबन 97 मौतें हो रही थी, लेकिन अब 5 गुना बढ़ोतरी के साथ आंकड़ा तकरीबन 490 हो चुका है। और यहाँ पे आप गणित समझ लीजिए, पूरा ग्राफ देख लीजिए ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जनवरी के मुकाबले अप्रैल में रोजाना केस 5 गुना तक बढ़ गए हैं। और आप देख सकते हो 20,142 को लेकर के यहाँ पे जो है पूरा अपडेट निकलकर सामने, पूरा ग्राफ भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये सभी जो है अपडेट है और आप समझ सकते हो कि कोरोना जो है ना पिछली बार से 5 गुना ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, ऐसी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2021, यहाँ लॉकडाउन में स्कूल बंद थे तो बहनों ने पढ़ाया था और अब भाई बन गया है बिहार का टॉपर, एक जबरदस्त किस्सा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको हम बताने वाले एक बड़ी अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट जो कि कल ही आ चुका था, बिहार मैट्रिक के रिजल्ट में इस बार टॉपर्स की संख्या में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ है। साल 2019 में टॉप 15 में से जहाँ 50 छात्र शामिल हुए थे, वहीं 2020 में टॉप 10 में से 41 जो है छात्र शामिल हुए थे, लेकिन 2021 के दिन सबको हैरान कर दिया। और आप देख सकते हो एक तस्वीर को, और इस तस्वीर ने क्या बता रहा है आपको मैं पूरा अपडेट देता हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा इसे कुछ समझ सके। तो अभिषेक के पिता जो है ना श्याम नंदन कुमार सिविल कोर्ट में वकील है, उनका कहना है कि बेटे के 5वें स्थान पर आने से वो बहुत ही खुश है, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा टॉप 10 में शामिल हो जाएगा। उन्होंने अभिषेक के शिक्षक और जिला के शिक्षा व्यवस्था को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी ने मेरे बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद किया। उनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें परीक्षा से जुड़े हुए सवाल प्रतिदिन भेजा जाता था और क्विज द्वारा जो है तैयारी कराई जाती थी और शाम में रिजल्ट भी दे दिया जाता था। इस वजह से अभिषेक पढ़ पाया। उन्होंने कहा कि आगे अपने बेटे को IAS बनाने में सभी प्रकार की मदद करूंगा। तो यहाँ पे जो है ना आपको बता दें कि अभिषेक की माता ममता शर्मा ने कहा है कि मेरे बेटे ने अब लोगों का सपना पूरा किया है, वह कोरोना में पढ़ाई नहीं हो पाने से डरा हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि कम दिनों की तैयारी में भी पास हो सकते हैं, बस पढ़ाई मन लगाकर करो। बता दें कि अभिषेक की दोनों बहनें कैथलिक स्कूल की छात्रा रही है, साल 2015 में बड़ी बहन और साल 2020 में छोटी बहन ने स्कूल में टॉप किया था। जी हाँ, और अब जो है अभिषेक का भी इस बार का जो है टॉप 5 बिहार का जो है टॉपर 5th में इसका नाम भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मुख्तार अंसारी पर भी खूब बन रहे हैं मीम्स, कोई व्हील चेयर तो कोई गाड़ी पलटने को लेकर उड़ा रहा है हंसी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो मीम्स
सर मुख्तार अंसारी तो व्हील चेयर पर, इस बार यहाँ बेग ही सकते हो, पढ़ भी सकते हो, तेरे पास कोई और रास्ता नहीं। ऐसे मीम्स जो है निकल कर सामने आ रहे हैं ट्विटर पे, हर जगह पे जो है मीम्स निकल कर सामने आ रहे हैं। और ये न्यूज़ वाले एम्बुलेंस नहीं पलटने देंगे, ऐसे पीछे पीछे चलेंगे तो कैसे पलटेगी एम्बुलेंस। ऐसे मीम्स निकल कर सामने आ रहे हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर में। आप देख सकते हो रास्ते में जो है बहुत सारी जो है गायें बैठी हुई है, इसके साथ साथ जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है एक बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा गाड़ी ही क्यों प्लेन से लाई अपराधी को, इसके ऊपर जो है बड़े मीम्स निकल कर सामने आ रहे हैं। प्लेन क्रैश में खर्चा, जी हाँ ज्यादा है। तो दोस्तों आपने बहुत ज्यादा वेट कर लिया है और आपको हम बताने वाले हैं सरकारी योजना के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना, जी हाँ अगर आपके घर में भी अगर आपके पास बेटी है तो बेटी 21 साल में बन जाएगी करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, सरकार के इस स्कीम में कर दे आप भी निवेश और आपको हो जाएगा बहुत ही जबरदस्त वाला बड़ा वाला फायदा। तो दोस्तों आखिर ये योजना है क्या और इससे आपको कैसे मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हो कि बेटी बन जाएगी करोड़पति। सुकन्या समृद्धि योजना में माता पिता बेटी के जन्म के एक वर्ष बाद अकाउंट खुलवा सकते हैं और अगर इस खाते में हर महीने आपको 12,500 रुपए या सालाना 1.5 लाख रुपए अगर निवेश कर दिया जाए तो तकरीबन जो है लड़की की 21 साल की जब उम्र पूरी हो जाएगी तो आपको तकरीबन 63 लाख, जी हाँ दोस्तों 63.7 लाख रुपए आपको आपके खाते में या फिर आपके हाथों में मिल पाएगा। वही माता पिता अलग अलग पैसा जमा अगर करेंगे तो लाडली, जी हाँ आपकी बेटी को 21 साल पूरा होने के बाद 1,27,00,000 रुपए मिलेगा। और इसके लिए जो है ना कौन कर सकता है इसमें निवेश और किसको इस योजना का लाभ मिल पाएगा तो आपको हम बता दें कि इस योजना में अपनी बेटी के नाम माता पिता अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अभिभावक एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खुलवा सकते हैं, हालांकि जुड़वा होने पर 3 के लिए अकाउंट खुलवाने का नियम भी बनाया गया है। बेटियों के जन्म से 10 साल की आयु तक इस स्कीम में निवेश किया जा सकता है। और आपको बता दें कि समृद्धि जो है आपको सुकन्या समृद्धि योजना में खाता बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बैंक या फिर कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में लड़की के 18 साल की उम्र होने के बाद शिक्षा के लिए उसके अकाउंट से 50% तक पैसा आप निकाल भी सकते हैं। वहीं अगर कोई भी गंभीर बीमारी होने पर खाते को 5 साल बाद बंद करके निकासी की जा सकती है। तो टोटल ये है अपडेट और सरकारी योजना जिससे आपको काफी बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा नीचे कमेंट करके। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने भाइयों, अपने दोस्तों, अपने हर किसी सगे संबंधियों के पास में व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से। जी हाँ, चलिए अभी फिलहाल आज के बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना जरूर ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।